इस दुनिया में ऐसे जीव मौजूद है जो कई किलोमीटर तक दूर मौजूद चीजों को भी देख सकता है और कुछ जीवों को इतने करीब से भी देख पाना नामुमकिन हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ विचित्र जीवों के बारे में बताएंगे जो जरूरत पड़ने पर प्रकृति के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है। ये जो आप इधर पत्तियां देख रहे हैं, इनमें एक जीव ऑलरेडी छुपी हुई है जो कि एक कैटरपिलर है। विज्ञान की भाषा में इसे बैरोन कैटरपिलर कहा जाता है। ये कीट ज्यादातर हमें आम के पत्तों पर देखने को मिलता है जो साउथ ईस्ट एशिया और भारत श्रीलंका जैसे कंट्रीज में देखने को मिलता है। ये कैटरपिलर अपने जीवन काल के दौरान अंडे से लार्वा स्टेज में आने के बाद आखिर में क्रिसमेरी अवस्था में आता है और फिर एक तितली बन जाती है। इस पत्ती के अंदर छुपी हुई कंडीशन इसकी लार्वा स्थिति की है। ये कैटरपिलर अगर नर होता है तो ये भूरे रंग के शेड में जन्म लेता है। वही दूसरी तरफ मादा कैटरपिलर की रंग डार्क ग्रीन कलर की होती है, जिससे कि इसे देखते ही कोई बता सकता है कि ये मादा कैटरपिलर है या फिर पुरुष कैटरपिलर। फैस्मिड, जिसे आसान भाषा में स्टिक इंसेक्ट भी कहा जाता है, ये जीव को अगर आप पेड़ों पर उड़ते हुए देखते हो तो पहली दफा शायद ये आपके नजर में भी नहीं आएगा, क्योंकि चलते समय मानो ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा चल रहा है। अपनी इसी खासियत के कारण ये जीव अपने दुश्मनों को पेड़ों के आसपास आसानी से चकमा देने में कामयाब हो जाता है। ये जीव दिनों के उजाले में बहुत ही कम हिलते डुलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस जीव के केस में मादा स्टिक इंसेक्ट नर से ज्यादा लंबी होती है। बफ टिप मॉथ, अगर आपको लकड़ियों के अंदर कोई छुपा हुआ जीव ढूंढना है तो ये आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है, क्योंकि इस जीव की बनावट किसी लकड़ी के टुकड़े जैसा होता है। ये ज्यादातर एशिया, यूरोप और साइबेरिया में पाया जाता है और मई से जून के महीनों में ही देखने को मिलता है। ये जीव ज्यादातर पेड़ों पर मौजूद पत्तियां से लेकर शाखाएं तक खा जाती है। ये जब अपने जीवन काल के आखिरी दशा में होता है तब ये देखने में काफी बड़ा दिखाई देता है और इसकी पंख भी तब देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, जिसकी लंबाई 55 से 70 मिलीमीटर के आसपास होती है। अपने आराम करते समय ये किसी टूटे हुए लकड़ी जैसा दिखाई देता है और इसी लकड़ी के टुकड़े के साथ ये घुल मिल जाती है। फिलिडा लीफ इंसेक्ट्स, कुछ ही देर पहले आप लोगों ने बैरन कैटरपिलर के बारे में सुना था जो किसी आम के पत्तियों में आसानी से छुप सकता है, लेकिन ये फिलिडा लीफ इंसेक्ट खुद ही एक पत्तों की तरह दिखाई देता है। ये जीव पत्ते वाले सब्जियों में ज्यादा पाया जाता है, जिससे कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ये अपने आप को छुपा सके। इसे देखने में किसी पत्तियों की तरह होने के चलते इसे वॉकिंग लीफ भी कहा जाता है। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। ये देखने में इतना अनोखा है कि इसमें और किसी पत्तियों में फर्क पता करना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। अगला जीव है डेड लीफ मैंटिस। तो जैसे गिरगिट जरूरत पड़ने पर अपना रंग बदल के अपने आप को छुपा सकता है, ठीक उसी तरह ये जीव भी अपने आप को पेड़ों की पत्तियों में छुपा लेता है। हरे पत्तों से सराउंडेड होने पर इसका कलर हरे रंग का और जमीन पे जाने पर ब्राउन रंग का हो जाता है, जिससे ये अपने आप को शिकारियों से बचा लेता है। और सबसे आखिर में लीफ टेल्ड गेको, जिसे मेडागास्कर आइलैंड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखा जा सकता है, और इस जीव की खासियत इसकी बनावट से है। इसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ही किसी सूखे पत्तियों के जैसा दिखता है और इसकी पूंछ इसके पैरों के बीच से निकल जाता है। इस जीव की 8 अलग अलग प्रजाति इस दुनिया में मौजूद है और इसकी लंबाई 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर के जितनी होती है। जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इसे देखकर कौन कहेगा कि यह लीफ टेल गेको छुपा हुआ है। धरती पर इस जीव की डिमांड इतना ज्यादा है कि इसे गैरकानूनी तौर पर पकड़कर इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत ही ज्यादा दामों में बेचा जाता है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इसे टॉप 10 मोस्ट वांटेड स्पीसीज के लिस्ट में रखा है। तो इन सब जीवों में से कौन सा जीव आपको सबसे अच्छा लगा? मुझे तो लीफ टेल्ड गेको सबसे अनोखा लगा, और आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।